मेरे भगवती और मेरे कारीगर वैसे कारों से मेरे जोड़ में जो यार। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आप देख रहे हैं ब्लॉग्स में, मैं आपका निकित। सो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है 3:50 और मैं आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। कम से कम भी 3-4-5 दिन हो गए मेरे को ब्लॉग बनाए, और कुछ रीजंस थे कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। इसीलिए तो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा था। और बाकी अब हमारे पेपर भी आने वाले हैं तो यूट्यूब के आप सोचोगे तो मैंने आपको बताया था ना टेंटेटिव डेट शीट मिल चुकी है पहले ही। तो U2 आने वाले हैं 21 अक्टूबर, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और बाकी सीन है कि ब्लॉग मैं क्यों नहीं डाल रहा, मैं आपको बताता हूँ कि जो रीज़न बताता हूँ पहला कि ब्लॉग तो मैंने डालना था, पापा का फ़ोन गिर गया था पानी में। गिरने के बाद वो हो गया ख़राब, मीन्स कि उसका ना स्क्रीन वगैरह डैमेज हो गई, और पहले स्क्रीन चल रही थी फिर बाद में स्क्रीन डैमेज हो गई, फिर बाद में वो जो स्क्रीन डैमेज हुई फिर बाद में टच ख़राब हो गया। टच ख़राब होने के बाद वो ब्लिंक करने लगी, ब्लिंक करने के बाद अपने आप चलने लगी। बाकी उसमें कई सारे डिफरेंट अलग अलग कुछ हो रहा था सिस्टम, तो वो फ़ोन पूरा उठ गया। तो फिर 5-4-3 दिन हो गए हैं, वो पापा का फ़ोन हमने फिर देना था सर्विस सेंटर में। पहले पापा बोलते कि इधर से आगे पीछे की दुकान से ठीक करवा लो तो फिर उधर से ही हो जाएगा, पर हमने बोला कि पापा नहीं, आगे पीछे वाली दुकानों से ठीक नहीं कराना, सर्विस सेंटर से कराया वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी वाले हैं तो वो अच्छे से करेंगे भी। फिर वो फ़ोन मैंने ना जैसे आज अगर हुआ ना, मैंने कल जाके कंपनी वालों को दिया, लक्ष्य भाई के साथ गया था मैं तो कंपनी वालों को दिया, और आपको पता है मेरे को पैदल चलने की आदत कितनी है, मैं परेड से हमें पैदल चलेगा। तो मैं यहाँ से मेटाडोर में गया, आते समय लक्ष्य भाई को बोला पैदल चलते हैं, साथ में बेलपूड़ी खाई। पहले भैया बेलपूड़ी में वो डाल रहे थे प्याज, पर बटन बरात रहे थे, फिर हमने बोला भैया प्याज मत डालो, फिर भैया ने बिना प्याज के डाला। तो वो बोलते हैं ना जुकाम लगा हो तो प्याज, मतलब कि प्याज का कोई नहीं है, मिर्च ज़्यादा खाओ तो जुकाम ठीक हो जाता है। मैंने क्या किया कि मैंने भैया को बोला मिर्च कम रखना, इतनी ठीक नहीं रखना, ठीक ठीक रखना। भैया ने इतनी टेस्ट कर दी वो, तो मैंने खाई ना लिटरली फट गई थी, बड़ी ज़्यादा मिर्च हो गई। और मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने वो फ़ोन दे दिया। फ़ोन देने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप ना कल कॉल करना, कॉल करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या उसमें खराबी है, कितना खर्चा वगैरह आएगा, सारा वो हम आपको बता देंगे। हमने बोला ठीक है। फिर हमने कल वो फ़ोन उनको कंपनी वालों को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हमने कंपनी वालों को बोला कि इसमें फ़ोन दिया था हमने Realme 9 Pro का, तो वो कब तक ठीक होगा या उसमें खराबी क्या, उसमें क्या डैमेज है। उसने बोला उसका ना कनेक्टर उठ गया, तो वो कनेक्टर हमने लगाना है। पहले उसने बोला कि उन्होंने बोला कि ये फ़ोन को चेक करने में टाइम लगेगा, आप शाम को कॉल करना। फिर हमने शाम को किया, पहले हमने दोपहर को किया आफ्टरनून में, फिर हमने शाम को कॉल किया, उनको बोला कि ये जो क्या इसमें खराबी है। उसने बोला, उन्होंने बोला कनेक्टर उठ गया हुआ है, कनेक्टर इसका लगेगा तो पानी भी ज़्यादा ही चले गया था फ़ोन में, इसलिए तो पानी वगैरह सुखाएंगे पहले, क्योंकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। पानी तो आपको पता सब कुछ डैमेज कर ही लेती है तो फ़ोन में, तो वो बोलते डैमेज ना हो, फिर हमने पानी सुखाना है, फिर बाद में कनेक्टर मंगवा के, फिर आपका फ़ोन का कनेक्टर मंगवा के फिर आपके फ़ोन में लगवाएंगे। फिर दो दिन हो गए, बल्कि आज थर्सडे, मेरे ख्याल फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे हाँ, तो आज मैंने फ़ोन किया उनको, उन्होंने बोला कि अभी सर नहीं आए हुए हैं, तो सर गए हैं लंच पे, अभी मैंने किया था कोई 2-2.5 बजे के करीब, तो उन्होंने बोला सर नहीं आए, सर लंच करने गए हैं, तो जब आएंगे फिर आप कॉल करना, अभी मैंने फ़ोन करना है। तो इसीलिए पापा मेरा फ़ोन लेके गए थे, और इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था अपने चैनल पे। तो कोई मेरे पास बैकअप ब्लॉग तो पड़े नहीं होते, मैं बिल्कुल जो दिन ब दिन होता है उसके अगले दिन अपलोड कर देता हूँ। अगर कोई होती है सिचुएशन ख़राब तो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, पता तो होगा आपको, ठीक है ना। तो यही कुछ रीज़न थे, एक ही रीज़न था फ़ोन का कि फ़ोन ख़राब था इसलिए, और पापा मेरा फ़ोन अब लेके जाते हैं अभी भी, जब तक ठीक नहीं होगा तो तब तक पापा ही लेके जाएंगे। मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, बड़े लोग मेरे को बहुत स्कूल में मेरे को बच्चे पूछ रहे थे ब्लॉग नहीं आया। फिर मैंने बोला मैं एक टिपिकल वीडियो बनाऊँगा इस पर, और इस पर एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों
ब्लॉग नहीं डाल रहा 4-5 दिनों से, और ना मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी, मेरे को ज़ुकाम खांसी में, पहले ज़ुकाम लगा उसके बाद मेरा गला ख़राब हो गया, मेरे को खांसी होने लगी और ज़ुकाम तो अभी भी है। तो इसलिए मेरे को 3-4 दिन से, मैं 2-3 दिन से मैं स्कूल भी नहीं गया था। मैम बोलते आप स्कूल क्यों नहीं है, मेरे बोला मैम तबीयत ख़राब थी। और नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं, आज नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं और दशहरा कब, कल परसों है दशहरा, ठीक है परसों दशहरा है। मैंने आपको बताना था कि रावण वाला, तो बट मैं नहीं बता पाया इस रीज़न के कारण से, मैंने आपको बताना था परेड में जाता ही हूँ ऑलवेज, तो मैं 5-6 दिनों से ना परेड रेगुलर जा रहा हूँ, पर कल हमने प्रैक्टिस की परेड में, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस की ना मैं आपको बता नहीं सकता। एक ही जगह खड़े होके घूमना सर नीचे करके कि आपको चक्कर आए, चक्कर आने के बाद बाकी 5 बंदे थे जो कैच पकड़ रहे थे पूरे पोजिशन में, चक्कर आने के बाद फिर दोस्त है वो कैच फेंकेगा, जिन्होंने वो कैच पकड़ना ड्रॉप नहीं करना, तो उसमें से 5, पहले 3 हमने किए, पहले 3 मैंने किए घूम के, और मैं सबसे ज़्यादा घूम रहा था और परफेक्ट घूम रहा था, परफेक्ट जो होता है ना परफेक्ट घूम रहा था। सबसे ज़्यादा घूमने के बाद मैंने 3 के 3 कैच किए, और बॉल जहाँ पे आती है ना, बॉल के बिल्कुल जहाँ पे बॉल का पोजीशन होती है उसके बॉल के नीचे आ रहा था मैं और कैच ले रहा था। 3 कैच मैं लिए, फिर बाद में 2 कैच हाथ में आने के बाद छोड़ दिए क्योंकि वो मैं चक्कर आ गए ना इसलिए, तो बाकी तो किसी ने भी नहीं पकड़े, एक नहीं पकड़ा है किसी कसम से, मैं सोचा एक दो पकड़ा होगा बट किसी ने नहीं पकड़ा। और दशहरे का बताना था, परेड में वो हो चुका है जो काम चल रहा है, दशहरे का भी चल ही रहा होगा, इसलिए आज मैं परेड नहीं जा रहा क्योंकि दशहरा है तो वो रावण लगाएंगे, तो मैंने आपको बताना था बट फ़ोन मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं फ़ोन लेके जाता और आपको बताता, मैं नहीं जा पाया इसलिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरे अभी फ़ोन जब पापा का आएगा फिर मैं ब्लॉग बना पाऊँगा, ऐसे तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि पापा का जो थोड़ा काम है वो फ़ोन पे होता है इसलिए। तो ये कुछ रीज़न था मेरा ब्लॉग ना डालने का, और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।